You're watching Pulse here on Mirror Now. I'm Amita Balachandra. Today, our top focus is going to be something that will impact people here at Panvel Municipal Corporation Limits if implemented. What has happened is that all parties have now passed a resolution to make Panvel as a municipal corporation liquor-free. And this, of course, if approved by the Maharashtra government, the entire municipal limits of Panvel is going to become a liquor-free. Is that something that people of Panvel want? That is the question we're going to be asking here on Mirror Now. But also on the show is a dim Christmas and New Year's Eve there for people in Aligarh and Agra. Hindu Jagran Manch and Vishwa Hindu Mahasabha says Christmas and New Year celebrations not part of Indian culture. Well, do people in Panvel really want a complete ban on the sale of liquor? Is that something people want? Because currently, all parties have now passed a resolution in the assembly, of course, saying that they don't want the sale of liquor here in Panvel. We have Arvind Mathre, the corporator who passed that resolution. Of course, we're going to try and find out what was the reason behind passing that kind of resolution. Aap bataiye, sare parties milke ye kyun tay kiya hai ki yahan pe liquor nahi sale hona chahiye? एक्चुअली ऐसा है कि अभी पनवेल महानगर पालिका भी नया नहीं शुरू हुआ है और एक्चुअली पनवेल महानगर पालिका में जो केसेस हो रहा है और महिलाओं के ऊपर अभी आज देश भर और राज्यों में आप देख रहे हैं कितना अत्याचार चालू है. इसका मेन रीज़न है जो दारू पीने का रीज़न है. और यहाँ पे 2008 में हम लोगों ने वहाँ के जो ग्राम पंचायत थी खरगर ग्राम पंचायत वहाँ से हम लोगों ने दारूबंदी का प्रस्ताव रखा था और इतने 15-20 साल हम लोगों ने वहाँ से दारू बंद करके एक सक्सेस किया था. वो हिसाब से हम लोगों ने अभी नया नगर पालिका चुन के आए हम लोग तो इस हिसाब से क्योंकि ये पनवेल महानगर पालिका है. ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राजधानी का प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार पवित्र द्वार में आज अपन पनवेल महानगर पालिका जो संदेश जाएगा पूरा वर्ल्ड या देश में और राज्य में जाने वाला है. इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि दारूबंदी करेंगे तो महिलाओं को हो रहे अत्याचार है. और दूसरी गोष्ट ऐसी है कि यहाँ पे पनवेल में आप देखेंगे तो बहुत सारे लेडीज़ बार है डांस बार है जो पनवेल का जो इमेज खराब हो रहा है वो डांस बार के बारे में जब आर आर पाटिल थे हमारे यहाँ के एक MLA थे विवेक पाटिल साहब उसने 2004 में वहाँ पे पारित किया था सब्जेक्ट और वो टाइम से डांस बार बंद हुआ था. फिर बाद में डांस बार चालू हो गया फिर से आज देख रहे हैं आज पनवेल का हालत कैसा महिलाओं पर. अभी आपने पुणे का देखा अभी हर महिलाओं के ऊपर अपन जो अत्याचार के ऊपर है. इसलिए हम लोगों ने सोचा अभी यह नया स्टूडेंट जो नया लोग आपको नहीं लगता जो लोग अगर उनके घर में जो भी करना चाहते हैं लोग आपको नहीं लगता कि उनका हक है जो करना कर सकते हैं अगर पीना चाहते हैं घर के अंदर उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा? नहीं ऐसा है हर आदमी को चॉइस रहती है वो घर में आके पी सकते मगर यहाँ आके व्यापार नहीं कर सकते यहाँ आके दारू बेच नहीं सकते यहाँ आके कोई होटल में या कोई डांस बार नहीं चालू कर सकते. आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार है उनके लिए आज के जो तरुण पीढ़ी आ रही है यानी लड़के स्कूल में लड़के जो आप देख रहे हैं यहाँ का भारत का और महाराष्ट्र का सबसे जो उम्मीद है वो यंग स्टार है और यंग स्टार के लिए आज दारू बंद होना चाहिए ये संस्कार मिलना चाहिए. जिस कारण से दारू बंद हो जाएगी तो मेरे को लगता है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन में जैसे नोट बंद किया वैसा पूरा देश में दारू बंद करना मांगता है. फिर लोगों को मालूम पड़ेगा हमारा देश का पूरा दारू बंद करने वाला देश है क्योंकि महाराष्ट्र में ओके इनफैक्ट लेट मी गेट इन सम वॉइसेस फ्रॉम वुमेन हियर हु जस्ट जॉइंड अस. आपको 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 लगता है कि ये जो कह रहे हैं इन्होंने कि ये वुमेन पे अत्याचार जो हो रहा है वो कम हो जाएगा दारू बंद करके आपको लगता है ये ठीक है? हाँ मेरा नाम राजेश्वरी राजेंद्र निंबाड़कर है. मैं महिला आधार सामाजिक संस्था की प्रेसिडेंट हूँ. जो इन्होंने जो बोला है वो सही है. अगर दारू बंद किया तो बहुत करके जो जनरेशन नई पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा है और जो अत्याचार जो हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. मेरे को तो सही लग रहा है. आपको क्या लगता है कि ये कुछ इफेक्ट होगा दारू बंद करके? बिकॉज आपको नहीं लगता जो घर में जो लोग
जो भी करना चाहते हैं ये उनका उनका हक है, वो जो भी करना चाहते हैं घर के अंदर। डेफिनेटली इफेक्ट होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है दारू पीने की वजह से। वो इंसान को तो होता ही, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होता ही है, पर उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियली है, कोई घर पे जाके अत्याचार वगैरह करते हैं। फैमिली में जो मेन लेडीज़ होती है उनको ज़्यादातर परेशानी होती है, वो सबसे बहुत ही डेफिनेटली उनको छुटकारा होगा। इनफैक्ट आप नहीं मानते हो कि ये अगर दारू बंद किया जाएगा कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे जा अगर दूसरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके अगर खरीदे तो क्या होगा? मैडम, सिर्फ पनमेल बंद होने से दारू बंद नहीं होगा, क्योंकि आज पनमेल बंद होने से हम बाहर से भी ला के यहाँ पे कल पी सकते हैं, कोई अपने घर पे भी पी सकते हैं दारू। अगर बंद करना है पूरा स्टेट में बंद करना चाहिए, पूरा दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए। खाली पनमेल महानगर पालिका जो कदम उठे अच्छा है, लेकिन ये ऐसे बंद होने वाला नहीं, क्योंकि ये दारू उसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ पे दारू नहीं मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिला तो कल हम बाहर से कल्याण से ला के पी सकते हैं, कोई खरगर से लाके पी सकता है। तो इसका मतलब वो नहीं है जो पनमेल बंद करने से दारू बंद हो जाएगा। अगर कदम उठाए अच्छा है, लेकिन पूरा स्टेट में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, और ये प्रधानमंत्रियों का ही कदम उठाना चाहिए। खाली पनमेल महानगर पालिका कदम उठाया तो इसमें हमारा लेडीज सेफ नहीं है, दारू बिकना बंद नहीं कर सकता है, कोई से भी लोग दारू पी सकते हो। आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं पड़ेगा अगर बंद किया जाएगा, जो लोगों को पीना है वो पीते रहेंगे। नहीं नहीं मैडम, हमारी जो सामने 15-20 साल से खरगर ग्राम पंचायत है, उधर हमने हमारी जो शेतकरी कामगार पक्ष की पार्टी है, उधर 15-20 साल से हमने उधर दारू बंद किया है, मतलब नो लिकर जोन खरगर रखा है। उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं, खरगर में जो हमारी महिला भगिनी है सुबह 5-6 बजे से रात में 12 बजे तक आराम से घूम सकती है। आप देखेंगे उधर खारगर में क्राइम का जो बहुत महाराष्ट्र में जो शहर है उसके अलावा खारगर में जो क्राइम है बहुत सा कम है। ये इफेक्ट तो दारू बंद होने से है बोल रहे हैं बाहर से लाके, लेकिन सामने दारू का अड्डा और बाहर हो तो बहुत उसमें फर्क गिरता है। मतलब सामने हो तो बहुत जाके हर रोज पी सकते, लेकिन बाहर हो तो 7 दिन में महीने में जाके पी सकता है। Let me get in some young voices here. Young people join us. You tell us, at this point in time, several people there agreeing and disagreeing to the fact that alcohol must be banned. He, of course, said that this will have a direct impact on crime against women. What do you think? I think crime against women has a lot of other factors, like, you know, how well lit the streets are, and especially because I'm coming from Chennai now, so, and like, you know, how much you can... How much women have the ability to go out and, you know, feel safe. I don't think it's got to do exactly with whether someone's drunk on the streets or not. It's more to do with other things. So I'm not sure exactly how this will impact women's safety. And personally, I've never come across many drunk people in my neighborhood, at least in Panvel. So I don't think it's a big problem for me in particular. I don't know exactly who's going to benefit from this alcohol ban exactly. And I feel like there are a lot of other pressing issues in the corporation, in my area, like water and all that. So we are facing water cuts and things like that. So I feel like these are issues that need attention. Women's safety, definitely. But I'm not sure how the alcohol ban is going to... Very, very good point made. आप बताइए, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स ये बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अल्कोहल बैन पे नहीं। अच्छा, वो भी उनका इशू अच्छा है, वो इशू भी हमने बजट में सब लिया है। इशू नया पनवेल महापालिका है, और जो इधर की जो पार्टी है सत्ताधारी लोगों ने वोट दिया है वो थोड़ी कम पड़ रहे काम कर ले, लेकिन हमने अभी जो सीजन हुआ उसमें सवाल उठाया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अभी उन्होंने उठाया सवाल कि इधर स्ट्रीट लाइट रास्ता है सब काम अभी अगले 1-2 महीने में चालू करके लेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये कैसे इम्पैक्ट होगा, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे कैसे इम्पैक्ट होगा? आपको क्या लगता है कि वो जो बात कही उन्होंने सही है? नहीं, ऐसा है, दारू के नशे में आप देख रहे हैं जो भी दारू में वो आदमी जो बोलेगा तो पूरा बॉडी से कंफर्म नहीं रहता, उसको एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो नशे में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो नशे के बारे में एक्चुअली जो आदमी होश में नहीं रहता, खड़ा नहीं रह सकता, वो आदमी मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, क्या मेरी कोई जा रहा वो भी नहीं समझ सकता। इसलिए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो मेन रीज़न है दारू बंद होना मांगता है। इसीलिए हम लोगों ने वही सोच के पकड़ा है, पूरा पनवेल महानगर पालिका से अपने घर से
हमारे घर से हम लोग बंद करेंगे फिर राज्य और कंट्री में जाएगा, ये सोच के हम लोगों ने किया कि हम खुद बंद करके दिखाएंगे फिर हम राज्य में देखो। आप बिहार का राज्य का देखो, नीतीश कुमार जी का मैं स्वागत करता हूँ इस बारे में, उन्होंने पूरा राज्य में दारू बंद किया था। ऐसा भी राज्य है हमारा देश में का बिहार जैसा, का वो बिहार में भी उन्होंने करके दिखाया था नीतीश कुमार ने, लेकिन वहाँ पे क्राइम आज भी बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है। तो आप बताइए हमें, आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बंद करना चाहिए? इन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए किया जा रहा है। या महिलाओं के लिए तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे परिवार भी बच जाएगा और उससे दूसरी बात तो एक हेल्थ से भी नुकसान होता है, वो भी वो बच जाएगा उससे। इसलिए ये दारूबंदी बहुत ज़रूरी है और सरकार ने जो आज कदम उठाया है ये बहुत पहले उठाना चाहिए था। इसलिए अभी से जब शुरू किया तो भी ये पूरे नॉट ओनली पनवेल, ये सब कंट्री में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। You tell us now, you made a point about how it's you don't know how it's going to impact women's safety at all, but there's another point about vendors. I will come to that in just a bit on the show, but if you can tell us, do you believe that people will stop drinking at all if there is a ban? Actually, yeah, the experience in places like Gujarat and all, at least from what I've heard, is that, and all, not just Gujarat, but in other places also where it's been banned, is that people who want to drink find bootleggers, and then, you know, it goes the, it becomes a black market. So, I mean, I don't really know how it will work out, so I'm a little unsure about how it will pan out, and I feel like if someone's really motivated to go and drink, then, you know, they'll go and find something illegal to do. So it'll become illegal and, you know, then it'll become a bigger problem. I'm not really sure how this is going to work out. So I think we'll have to wait and watch about this. So, all right. So we'll come to that in just a bit. But let's also listen in to some vendors who said that this was going to impact their business, but not so well. लोगों को तकलीफ होता है, बहुत लोगों को तकलीफ होता है, इधर उधर भाग दौड़, लोग तो दारू पीना छोड़ते नहीं है, लोगों का तकलीफ होता है बहुत। पर ये लोगों का क्या है, ये कुछ तक एक रुपए का भी लोगों को तकलीफ होता नहीं, हमारा दुकान चालू रहता है तो। अभी दुकान बंद होएगा तो लोगों को तकलीफ होएगा, इधर भागो उधर भागो इधर भागो, दारू वो देसी दारू भी चालू होएगा घर घर में, इनलीगल वो साप्ताहिकता देके सब चालू होएगा, फिर मतलब नहीं उससे। Well, we had just heard a vendor there, of course, saying that this was going to impact his business negatively. बहुत सारे ये जो vendors जो है जो दारू sale करते हैं यहाँ पे, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो उनको अलग अलग उन्होंने एक कर दिए, ऐसा नहीं है कि पनवेल महानगर में ही करना मांगते हैं। उनको जो business करना है तो पनवेल के बाहर कीजिए, अलग बिजनेस सोचे, ऐसा नहीं उनके लिए पूरा कंट्री का नुकसान करना या मेरा पनवेल महानगर पालिका का लोगों का महिलाओं का जो नुकसान करना, ये हमारे लिए हम लोग वो सोचते नहीं, अलग अलग उसने व्यवसाय करी, ऐसा कुछ नहीं। इतना साल में दारू नहीं था तो कभी आदमी जगता नहीं, ऐसा नहीं, मुझे जिंदा रहता ऐसा नहीं, वो चीज़ रहनी मांगते ऐसे जरूरत नहीं। वो सोच के हम लोग क्या कि अभी यंगस्टर खराब होना नहीं मांगता, अभी ये लेडी ने बताया इस वजह उनको मेच्योरिटी नहीं है, ये मैं बोलता हूँ, मगर आज का घर में जो भी यंगस्टर है वो खराब होना नहीं मांगता है। आज आप देखो यहाँ का हम शिक्षण एजुकेशन जैसा बोल रहे हैं हम खरघर में, या आज हर चीज़ में हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा का यहाँ लोगों का महिलाओं का अत्याचार नहीं होता। और एक बार हम लोगों ने डिसीजन लिया पूरा कंट्री में होना मांगता है, ये सोच के हम लोगों ने किया। टैक्स के बारे में हम लोग, हमारा मसूर बुड़ेगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं, क्यों लोगों का सोचना मांगते हैं। क्या आपको लगता है कि यंगस्टर्स खराब हो रहे हैं इसकी वजह से? नहीं मैम, दारू के लिए कोई ये खराब नहीं है, उसके लिए अपना सोच बदलना चाहिए। और रहा जो दारू का बंदी, अभी हम गुजरात में 7 दिन का सफर में गया था, गुजरात में पूरा स्टेट में दारू बंदी, हर 5-स्टार होटल में ड्रिंक है। अभी पानमेल में भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे 5-स्टार होटल होगा, तो वहाँ पे भी सरकार भी नहीं बंद कर सकता 5-स्टार होटल में ड्रिंक करना, क्योंकि वो नेचुरली है। कोई फॉरेन कंट्री में देखिए, बाहर में 1-2 बजे क्लब में बाहर में ड्रिंक ये सब अलाउड है, वहाँ का भी लेडीज़ बहुत सुरक्षित है। इसीलिए सिर्फ दारू बंद करने के लिए अपना लेडीज़ का सुरक्षित नहीं है, हम भी चाहते हैं हमारा माँ बहन सुरक्षित रहे, सोच बदलना चाहिए। और ये जो जितना लोगों को लाइसेंस दिए गवर्नमेंट ने दिए दारू बेचने के लिए लाइसेंस, आज उनको लात मार के हम निकाल देंगे यहाँ से, करोड़ों रुपये खर्चा है लाइसेंस के लिए, उसके लिए तो भी महानगर पालिका को सोचना चाहिए बिजनेस के लिए, ये इतना उनका लोकसान है बिजनेस के लिए कहाँ पर जाएगा। सबको मैं इज्जत करता हूँ, दारू बंद हुआ
हमारा माँ बहन सुरक्षित रहे। खाली दारू बांधने पीने में लेडीज के ऊपर अत्याचार नहीं है, उसके लिए अपना सोच बदलना चाहिए। वेरी वेल यू नो पॉइंट मेड। आपको लगता है कि दूसरे चीज़ों पे शायद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? स्ट्रीट लाइट्स की बात हो गई या पुलिस पेट्रोलिंग की बात हो गई, इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा कि ये पता नहीं कैसे देना तो चाहिए, लेकिन अगर आज महानगर पालिका ने जो ये निर्णय लिया उन लोग उसका शुरुआत तो करेंगे इधर से। पाया तो हम लोग का यही है ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या शुरुआत यहाँ से करना? हम लोग यहाँ से सब लोग करेंगे, ऑल सब लेडीज है, एन जी ओ है, हमारी संस्था है, महानगर पालिका सब सत्ताधारी नगर सेवक है, मतलब हमारे कमिश्नर है, हमारे सब आमदार है, और पूरा पनवेल की लेडीज हम लोग तो सपोर्ट करेंगे और ये जो निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। मतलब इनफैक्ट आई एम गोइंग टू एंड द कॉन्वर्सेशन विद यू, इफ यू कैन टेल अस व्हाट मेजर्स डू यू थिंक नाउ। यू ऑब्वियसली पॉइंटेड आउट दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट दे शुड परहैप्स लुक एट द मोमेंट। इफ यू कैन टेल अस व्हाट मेजर्स डू यू थिंक द पीसीएमसी एट दिस पॉइंट इन टाइम शुड लुक एट? ओके, सो द थिंग इज I didn't know it was being looked at in the sense that in terms of women's safety exactly. Mm-hmm. But like honestly, to be honest, like in Panvel, I feel pretty safe and I've not come across too many issues. I come back home at like quite late in the night sometimes because, you know, I used to go to college quite far away. My college was in Bombay, so I used to come home late and I've never felt unsafe. But if safety is something that like women, you know, are concerned about, then I feel like of course streetlights here, I don't think they are such a big problem. But also, like, you know, being able to go out and having like hawkers, you know, known hawkers, these are some things that have worked in other areas, so that, you know, women feel comfortable going to places, you know, where there are busy market areas, women feel comfortable over there. So instead of removing like say hawkers and all that from places, I feel like if they're given space, then, you know, it will probably work and better for women. So that's something. I don't know how the alcohol ban will work. All right. So that is the word that's coming in from youngsters and, you know, women here. While a majority of them say that perhaps a ban should be considered, there are other issues that the government should focus on. At this point in time, this, of course, remains only a proposal. Only if the Maharashtra government implements it is when we will see a liquor ban in Panvel, much like what happened in Kargar. With that, we'll take a quick break here on Mirror Now. We'll come back with more news and updates. Welcome back. You're watching Pulse on Mirror Now. I'm Amita Balachandra. Straight up to our other top focus this evening. Fringe groups are up in arms against Christmas and New Year Eve celebrations in Aligarh and Agra. The Hindu Jagran Manch is now saying that celebrating Christmas and New Year's means it is against the Indian culture. Just about a week back, Hindu Jagran Manch came up with this idea that they will be preparing lakhs of Hindu youth to marry Muslim girls in order to convert them to Hinduism and to bring them back to the Hindu fold. So now, this kind of an activity definitely has gained momentum over the last several months. And this time around, since this is the Christmas season, it seems that another minority community, Christians, seem to be under attack. Although the district administration has categorically said, including the district magistrate and the SSP, that they will take action against all such fringe elements in case they actually resort to violence. But the fact is that all such fringe elements, all such outfits who claim to be working for a particular community and in favor of their religious interests of faith, they actually need to be dealt with an iron hand, something that hasn't been seen of late in Uttar Pradesh. In fact, just about 6 months back, there was another case in Maharajganj wherein, about a dozen foreigners and as well as other people who were attending mass ceremony there in one of the churches were put under detention by the police, although they were later released. But the very fact that the administration has on a number of occasions sided with these fringe elements is something that raises a lot of eyebrows, as well as it seems like a worrisome development. But so far, as I said, the district administration says that all such fringe elements will be dealt with strictly, but we need to see more such action on the ground to prevent all such fringe elements and these self-proclaimed protectors of Hindu identity from rummaging through the kind of discipline that should be seen on the ground. आज जो हमारी नव युवा पीढ़ी नव वर्ष को जो बनाती है,
जो नव वर्ष पे ये लोग अश्लीलता होटलों के अंदर फैला रहे हैं उसका मैं पुरजोर से विरोध करना है। हमारी विश्व हिंदू महासंघ पुरजोर से विरोध करते हैं और ऐलान हम करते हैं कि नव वर्ष बनाने के लिए हम जगह जगह कोने कोने में हम रोकेंगे जा जाके कार्यकर्ताओं को। नव वर्ष जो होटलों में आयोजन करते हैं पूरी रात ये दारू पार्टी चलती है, अश्लीलता चलती है, ये भारतीय संस्कृति पर बहुत भयंकर दाग है। इस दाग को हम नहीं लगने देंगे। हम हर आर्चीज गैलरी हर होटलों में बाहर जाके गांधीवादी तरीके से फूल दे के उनको कहेंगे कि अपनी भारतीय संस्कृति को अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके अपना जो भी है कैलेंडर वर्ष को बनाएं। आज का जो समय है उसे भारतीय संस्कृति को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी लगातार अपनी भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है और समय समय कभी वैलेंटाइन डे के नाम पर, कभी ये 31 के नाम पर ऐसे आयोजन जो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल मिटाने वाले हैं। हम पहले ही बता चुके हैं हम कहीं प्रेम का विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं तो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं, हम प्रेम के विरोधी नहीं है। अगर किसी को कोई प्रेम का दिवस मनाना है तो हम पहले भी कह चुके हैं कि सबसे बड़ा प्रेम का दिवस किसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आवश्यकता पड़ी और किसी ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया उसका जवाब उसको दिया जाएगा। बड़ा नफरत आमेज बयान है ये भी, और इस तरह के बयान को देखिए, इस तरह के जो भी ओकेजन्स होते हैं, जो भी इस तरह प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बढ़ चढ़ कर चंदा देते हैं। मेरे पास एक मंदिर से फोन आया कि साहब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उसमें भिजवाया। ये तो हमारे देश की एक तहजीब एक कल्चर है, हम ये सोचकर चंदा नहीं देते या लेते कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम ये सोचकर लेते हैं कि हमारे देश का जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिले। लेट अस नॉट डिवाइड द सोसाइटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, यू नो वी हैव गॉट टू ट्रीट एवरीबडी मुस्लिम्स हिंदूज क्रिश्चियंस टुगेदर, एंड वेन देयर आर सच फेस्टिवल्स विच आर सॉट टू बी सेलिब्रेटेड बाय इवन ए नॉन कम्युनिटी पर्सन, देन व्हाई शुड वी डिस्टर्ब दैट। यदि हिंदू जागरण मंच इस बात को कहता है कि यदि हम बच्चे क्रिश्चियन होने जा रहे हैं या क्रिश्चियन बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिश्चियन आदमी स्वतंत्र है, हिंदू भी स्वतंत्र है, वो किस भाषा में या किस विषय को लेकर कहां तक पहुंचता है, और हम इस विषय में जो भ्रामक बातें फैलाने वाले लोग हैं हम चाहेंगे कि उन लोगों पर किसी भी तरह लगाम लगाई जाए और हिंदुस्तान की संस्कृति को बरकरार रखा जाए। हिंदू जागरण मंच वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि आप धर्म की शिक्षा अपने घर में दीजिए, अपने शिशु मंदिर में दीजिए, अपने मदरसों में दीजिए, जहाँ जहाँ दे सकते हैं वहाँ दीजिए। मगर कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चा तालीम हासिल करने जाता है, शिक्षा लेने जाता है, उसके दिमाग के अंदर अभी से जहर खोलने की जरूरत नहीं। व्हाट डज क्रिसमस सेलिब्रेशंस have anything to do with conversions? These people are going beyond their level of already instilled paranoia. Are they talking about 15,000 years of Indian culture, of Hinduism, is going to get turned and converted with one Christmas celebration? Will they say the same thing about all the Santa Claus stars and everything that is hanging in every shop, in every mall? And Christmas is a time for sharing, Christmas is a time for joy. It is something that children enjoy, receiving new gifts and presents. That is all. It has nothing to do with getting converted or getting influenced to be converted.